अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बजीज वर्ल्ड। तो जी आज जो है वो बर्ड्स को जो है सॉफ्ट फूड देना था और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। पिछले कुछ दिनों से एक दो तीन दिनों से मैंने बर्ड्स को जो है वो कॉर्न दिया, भुट्टा दिया और आज जो है इनको मैं चावल देने लगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पर पूछ रहे होंगे कि यार अगर आप भुट्टा देते हो या चावल देते हो और रोज़ देते हो तो क्या बर्ड्स बीमार नहीं होंगे? तो यार देखो, अगर आप एक नॉर्मल तादाद में, मैं शुरू से बोलता हुआ आया हूँ कि आप सॉफ्ट फूड बर्ड्स को अगर रोज़ देते हो तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नॉर्मल तादाद में दोगे तो वेल एंड गुड। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा मकदार में बर्ड्स को दोगे, चाहे उनके फ़ायदे की हो, तो वो बर्ड्स को नुकसान देना शुरू कर देगी। मैं बर्ड्स को सॉफ्ट फूड जो है वो रोज़ दे रहा हूँ क्योंकि ब्रीडिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हांडी, ये हांडी, ये हांडी, वो वाली हांडी, वो कोने वाली हांडी, सब मैं और एक वो नीचे, सब मैं मादियाँ माशाल्लाह से बैठी हुई हैं और एक दो तीन अंडे तो मेरे ख्याल से दिए हैं मैं। तो जब इस तरह का सूरत हाल आई हुई है और माशाल्लाह से ब्रीड बहुत अच्छी कर रहे हैं मेरे पास, तो अभी जो मैंने काम करना है वो ये करना है कि मैं इनको इस तरह की प्रोटीन, इस तरह के विटामिन दूँ कि जब ये एग ले कर दें उसमें से बच्चे रहें वो अच्छे रहें। तो ये प्रोसीजर एक महीना चलेगा। मैं भुट्टा इनको तब तक खिलाऊँगा जब तक ये अपना पहला क्लच ना निकाल दें, क्योंकि जो फर्स्ट ब्रीड इन बर्ड्स की होती है उसी में अगर इनको आप अच्छी चीज़ें खिला दो तो उसके बाद आपके पास जो ब्रीड आना शुरू हो जाती है वो बहुत अच्छी आती है, ये एक फैक्ट है। अगर अभी मैं इनकी केयर नहीं करूँगा तो इस ब्रीड के बाद जो ये नेक्स्ट क्लच निकालेंगे पॉसिबली उसमें नुकसान, मसले मसाइल आ सकते हैं, बच्चे पतले दुबले निकल सकते हैं। तो अब इसे क्या करना है कि इनको इतना प्रिपेयर कर देना है, इनको इतना एक्टिव कर देना है, इनको इतना ताकतवर बना देना है कि इनकी जो फर्स्ट ब्रीड है ये अच्छे से हो जाए, उसके बाद जो बाकी ब्रीड्स हैं वो अच्छी हैं। और याद रखें कि फर्स्ट ब्रीड में हमेशा कोई मसला मसाइल आता है। अब इनकी फर्स्ट ब्रीड हो सकता है ये अपने अंडे फेंक दें, हो सकता है ये जो बच्चे निकालें वो उनमें कोई मसला आ जाए, लेकिन फर्स्ट ब्रीड के बाद अगर जो ब्रीड आती है वो अच्छी आती है तो हम सेकेंड ब्रीड का भी सोच के ये काम करना। तो मैंने इनको कॉर्न भी दे रहा हूँ कम तादाद में। आज जो मैं इनको दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ बॉयल्ड राइस। तो बॉयल्ड राइस का काफ़ी लोग पूछते हैं यार कच्चे पक्के चावल देने हैं या अच्छी तरह उबले हुए देने हैं? देखो यार, अच्छी तरह चावलों को उबाल लो, उबाल के अच्छी तरह खुश कर लो, मतलब ठंडे कर लो और बर्ड्स को खिला दो, सिंपल सी रॉकेट साइंस। और अभी सुबह का वक्त है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और इस वक्त बर्ड्स को अगर चावल देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैंने पानी वानी निकाला हुआ क्योंकि शाम में इनको मल्टीविटामिन देंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये सूरत हाल चल रही है और बस बाकी प्रोग्रेस इंशाल्लाह मैं आपको एक हफ्ते तक दिखाऊंगा, तब के सारे तोते मेरे सेट हो जाएं, उसके बाद दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं बजीज़ वर्ल्ड, अल्लाह हाफ़िज़।